तो मैंने एक ट्राईपोड ऑर्डर कर रखा था बहुत दिन से, तो आज वो आ गया। वैसे तो उसके 15 तारीख में आना था, लेकिन वो आज 12 तारीख में ही आ चुका है, 3 दिन पहले। तो चलते हैं उसको लेने के लिए, आओ। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने ट्राईपोड को लेने के लिए, तो फिर मिलते हैं आपसे जब ट्राईपोड मिल जाए। ये लेके आ चुका हूँ मैं अपना ट्राईपोड, तो घर जाकर आपसे मिलते हैं। तो अभी मैं इसे लेके आ चुका हूँ अपने घर पर, और अपना पुराने वाला स्टैंड ये रहा, ये रहा। मैं स्कूल में से बिल्कुल अभी आया था, बस ये शर्ट चेंज किया है और बैग ही रखा है। तो अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट। तो चलो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट। और मेरा जो पहले वाला स्टैंड था वो लग रहा है यहाँ पर, इससे वीडियो शूट होगी यहाँ की, और रखी है सॉफ्ट लाइट। तो बिना टाइम वेस्ट के करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अभी वहाँ पर होगी स्टैंड की अनबॉक्सिंग। चलो शुरू करते हैं। तो ये एक और डब्बा है इसके अंदर, जिसके ऊपर है ओसाका की ब्रांडिंग, ओसाका। पैकिंग तो एकदम मस्त है इसकी वैसे, वरना जो मेरा पिछले वाला ट्राईपोड था उसकी इतनी अच्छी पैकिंग नहीं थी। उसके अंदर सीधा इसके अंदर एक ट्राईपोड था बस। अब इसके अनबॉक्सिंग करें। एक और बैग इसके अंदर ऐसी। इसमें ये भी आवाज़ है, पिछले वाले में भी था। मेरे पहले वाले ट्राईपोड से अच्छा है, और इसका वजन भी भारी है। इसका जो ब्लैक कलर है वो तो बिल्कुल पोसम है, वरना इसका सिल्वर कलर है। अभी तो बहुत टाइट है ये, जब इसका यूज होगा तभी ये शायद सही हो जाएगा। वैसे जब बॉक्स में से किसी चीज को निकालते हैं तो उसे बोलते हैं अनबॉक्सिंग, तो जब पोलोथीन में से निकालते हैं तो उसे क्या कहेंगे? अनपोलोथीन, अनपोलोथीनिंग। अभी मैं इसको खोल लेता हूँ पूरा, देखता हूँ उसकी हाइट कितनी है। भाई साहब, चार चार देखिए यार। मुझे पता है स्टैंड ये फ्रेम से बाहर जा रहा होगा, कोई बात नहीं, बाद में इसको सही करता हूँ। बिल्कुल इसके नाम हार्ड है ये सब, पिछले वाले की जैसे लाइट थे ना, इसका सी नहीं है, इसमें हार्ड है। आयरन का तो नहीं है ये। इसमें वैसे दो हैं ये पिंच, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसका तो मतलब मुझे पता है क्या होगा, लेकिन इसका अभी तक नहीं पता चला, कोई बात नहीं। फोन से तो शूटिंग हो रही है, कोई नहीं अभी रुक जाओ। अब मुझे पता चल गया ये किस काम के लिए है, ये इस काम के लिए है, जैसे हमने इसको ऐसे फिट कर दिया। और अब इसको टाइट किया, अब यहाँ पर फोन वीडियोस बना सकते हैं। तो अब करते हैं कंपैरिजन अपने नए ट्राईपोड में अपने पुराने ट्राईपोड में, आखिर क्या चीज अलग है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये रख दिया मैंने अपने दोनों स्टैंड लाइन में। तो अब आप इनकी हाइट खुद ही देख लें, वो वाला बड़ा नहीं है, वो भी मैंने इसकी खोल नहीं रखा है, इसको भी मैं खोलता हूँ पूरा। ये अब इसकी फुल हाइट है, ये रहे दोनों, दोनों की वैसे सेम हाइट है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क है तो बिल्ड क्वालिटी में, ये थोड़ा हार्ड है, ये थोड़ा सॉफ्ट है, और इसमें वजन भी ज़्यादा है, और ये थोड़ा लाइट वेट है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो जो बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में वो है इस चीज़ का, ये वाला, और इसमें ये। अब अगर मैं बताऊं इन दोनों में से अच्छा कौन सा है, तो ये वाला थोड़ा सा अच्छा है, बाकी
ये है तो ये भी ठीक है, वरना ये बेस्ट है ये वाला फोन स्टैंड। और अगर इनके प्राइसिंग की बात करें तो ये था 631 631 का, और ये था 712 712 रुपये। अगर आपको बिल दिखाऊं इसका, ये रहा, ये लिखा है 630 रुपये। और अगर इस वाले का दिखाऊं पोसा का, तो इसका ये रहा बिल का, बिल 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 गाइस दिख रहा है बिल, पूरा बिल्कुल लास्ट। तो ये रहा बिल 712। ब्लर क्यों हो रहा भाई, ये तो बिल है ही, बाकी ये ओसाका की ब्रांडिंग है, ये रही ओसाका। तो ओवरऑल अगर आपको कौन सा लेना चाहिए ट्राईपोड, या ये वाला या फिर ये वाला, तो मैं तो ये वाला ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि जब आप एक बार पैसे लगा रहे हो तो 80 रुपये में क्या फ़र्क पड़ता है 80-90 रुपये में, मेरे भाई यही लो। बाकी ये तो है ही वैसे, ये देखो स्मार्टफोन कैमरा, एक्शन कैमरा, आईपैड, 5 मीटर नहीं, कुछ नहीं पता।